तो कोरोना वायरस को लेकर पूरी दुनिया में इस समय डर का माहौल है। भारत में भी कई मरीज कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं, जिस कारण अन्य लोगों में भी दहशत बनी हुई है। कोरोना को लेकर प्रदेश सरकार भी अलर्ट पर है। प्रदेश सरकार ने सभी रैलियां और अन्य कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। वहीं करनाल जिला स्वास्थ्य विभाग भी किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। नागरिक अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। लोगों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए अनाउंसमेंट के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। अस्पताल में कर्मचारी स्वास्थ्य व्यवस्था और सफाई व्यवस्था का पूरी तरह से ध्यान रख रहे हैं। करनाल सामान्य अस्पताल में हमने फ्लू के केसेस के लिए एक अलग से ओपीडी का प्रबंध किया हुआ है। इसके अलावा आइसोलेशन वार्ड की फैसिलिटी हमने रखी है। यहाँ पर अगर कोई इस तरह का केस आता है उसको हम आइसोलेशन वार्ड में एडमिट कर सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर आईईसी एक्टिविटीज कर रहे हैं। लगातार यहाँ पेशेंट्स को समझाया जा रहा है, अनाउंसमेंट हो रही हैं जिसमें हम इससे बचाव के उपाय लोगों को बता रहे हैं, जैसे कि बार बार हाथ धोना और अपने मुँह को ज़्यादा टच ना करना, खांसी या जुकाम वाले व्यक्ति को दूसरों से दूर रहना, 2 मीटर का डिस्टेंस बना के रखना, मुंह पे कपड़ा रखना या मास्क वगैरह लगाना, इस बारे में।